मॉर्निंग पहलाक छोटू को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया। तो मैं किरण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किरण मेहरा व्लॉग्स पे। तो कर दिया है मैंने अपना आज का व्लॉग भी स्टार्ट आज के नए दिन के साथ, और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो चलिए आपको आज के मौसम की अपडेट देती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, ये देखो मस्त मस्त सी धूप और बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के से। मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मौसम कैसा हो रहा है। धूप खिल गई है और घर का सारा काम मेरा हो गया है, और अभी जाती हूँ मैं नीचे किचन में और फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस खाना हम लोगों का हो गया है और आ गई हूँ मैं अपने रूम पे, और आज ना मेरी नानी आने वाली है। नानी आ रही है रामलीला देखने के लिए। मैंने आपको बोला था ना कि नानी बोल रही है बाद में आऊँगी, तो यहाँ पर रामलीला हो रही है। मैंने नानी को कॉल किया कि रामलीला देखने आऊँ करके, तो आज नानी आ रही है, फिर आपको रानी से भी मिलाऊंगी। और कल ना करवा चौथ है, तो अभी मुझे थोड़ी देर में मेहंदी भी लगानी है। एक हाथ में मैं लगाऊंगी और दूसरे हाथ में बेबी से लगाऊंगी जो भी होगा फिर, क्योंकि उनका पार्ट भी है ना इसीलिए। तो चलो अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। तो अभी हो रहा है दिन का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ झोली भात। यहाँ पर मेरी मूली की झोली बन रही है और उसके बाद फिर चावल बनाऊँगी। लगा रही हूँ दिन में मेहंदी, इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में मैं मेहंदी लगाऊंगी और दूसरे हाथ में मेरी बेबी मेहंदी लगाएगी। और साथ में ना यहाँ पे नानी अभी सोई है क्योंकि शाम को हम रामलीला देखने जाएंगे इसीलिए। चलो फिर मैं फटाफट से मेहंदी लगा लूँ। मेहंदी का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा डिज़ाइन बनता है। चलो ट्राई करती हूँ। ये मैंने लगा दी है अपनी मेहंदी, ये देखो कैसी लग रही है। सीधी साइड से मैंने लगा दी है, अभी बैक साइड की बाकी है। बाकी यहाँ पे मेरी नानी बैठी है, नानी से पूछती हूँ कैसी लग रही है। कैसी लगाई है? अच्छी लगी है। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। बाकी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे नातनी और नानी धूप में मस्त तरीके से बैठे हैं। दिया का घेरा घाम में घाम शेरना। तो फाइनली मेरी दोनों साइड की मेहंदी लग चुकी है, ये है फ्रंट साइड की और ये रही बैक साइड की। कैसी लगाई है मैंने कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बार ना मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसी मेहंदी लगाऊं और मैंने लगा ली है। मेहंदी करवा चौथ है इसलिए लगाई है। यहाँ पे अनिल आ गए हैं और अनिल की मेहंदी लगाई है मैंने। देखो अनिल की मैंने मेहंदी लगाई है। अनिल कालिया, मैं इनको कालिया कहती हूँ तो इसलिए इनका नाम है अनिल कालिया। सही है ना? मिटाना मत। अब मिटाई तो फिर देखना। नहीं मिटाऊंगा ना, भाभी ने पहली बार लगा रखी मेहंदी। हाँ शादी के दिन भी मैं अनिल कालिया ही लिखूंगी तुम्हारी मेहंदी में। चलेगा? अभी बन गई है मेरी चाय और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं पकौड़ी, पकौड़ी स्पेशल। तो गाइज़ अभी हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए, मैं और नानी। आज मैं अपने साथ नानी को लेके आई हूँ घुमाने के लिए, और मेरी मेहंदी ना अभी इतनी हल्की रची है, अब देखते हैं कल कितनी रचती है। और सामने से जा रहा है जो जो घूमने के लिए। बेबी तो नहीं आए क्योंकि उनको आज भी तालीम में ही जाना था, तो नानी को लेके आई हूँ थोड़ी देर घुमाने के लिए और फिर जाते हैं घर को। बढ़िया से नहीं है सवा पेड़ हो, सब सवा का पेड़ छन तो उतर गए हूं उल्टा को सारी जनवर होई तना घर बैठ हूं छ। या पेड़न बटी ठीठ छुटनी ना उनन का चाबेल लूं जो जो। तो गाइस घूम के आने के बाद मैं आ गई हूं नीचे किचन में और अभी मैं बना रही हूं रोटी। आजकल ना हम लोग जल्दी खाना बना दे रहे हैं रामलीला में जाने की वजह से, और नानी भी आई है तो ना फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर रामलीला जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको भी दिखाऊंगी। तो चलो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और आज ना सुरपनका का पार्ट मेरे पास
झलक लग रही है, तुम उन्हीं के पास जाओ। लगता है तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है। मैं बंद भिक्षा नहीं लेता, बाहर आओ भिक्षा दे और दीक्षा ले। अभी आ चुके हैं हम लोग रामलीला से घर, और कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।